रुपए से, 24 रुपए से बियर की कीमत स्टार्ट हो जाती है यहाँ पर। चीजें हम लोगों ने फाइंड आउट करी जो सस्ती है यहाँ पर। और सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द आवर चैनल इंडियन गर्ल इन यूरोप, और मैं उसके साथ फ्री में। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत सरप्राइजिंग रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग आपको ऐसी चीज़ें बताने वाले हैं जो जर्मनी में चीपर हैं इंडिया से। मतलब ऐसी चीज़ें जो यहाँ पर इंडिया से ज़्यादा सस्ती हैं। इमेजिन कीजिए, मैं इसको सेट कर देता हूँ बोलते बोलते। ओके, तो सरप्राइजिंगली सस्ती चीज़ें हैं इंडिया से यहाँ पर जर्मनी में। वैसे तो हम लोगों को लगता है कि जर्मनी बहुत महंगा है, या यूरोप में सारी कंट्रीज़ जो हैं वो बहुत महंगी है, लेकिन विद हमारा एक्सपीरियंस जो इतना टाइम हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं, तो हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम लोगों ने फाइंड आउट करी जो सस्ती हैं यहाँ पर, और हम लोग आपसे शेयर करना चाहते हैं ताकि अगली बार अगर आप जर्मनी या यूरोप आओ तो आपको पता हो वो सस्ती चीज़ें कौन कौन सी हैं। तो स्टार्ट करें, या स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब कर दो चैनल को, वीडियो को लाइक कर दो और बेल आइकन भी दबा दे। तो सबसे पहली बात दीपक बताएगा। सबसे पहली चीज़ है यहाँ पर बियर, दारू। दारू मतलब सारी चीज़ नहीं, बियर। बियर कंपेरेटिवली इंडिया से सस्ती है, क्योंकि जर्मनी को बियर लैंड भी बोलते हैं। यहाँ पे अराउंड 5000 टाइप की बियर्स होती हैं, और अगर आप देखो तो यहाँ पे बियर स्टार्ट हो जाती है 0.29 मतलब 0.3 यूरो से। मतलब ये मान लो आप 24 रुपये से बियर की कीमत स्टार्ट हो जाती है यहाँ पर। और फिर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, 24 रुपये में अराउंड 750 ml, तो इंडिया के कंपेरिजन में तो बहुत चीप है, और क्वालिटी भी अच्छी है डेफिनेटली अगर इंडिया से कंपेयर करें तो। तो ये एक थोड़ी शॉकिंग चीज़ है। और तो मैं आपको इस चीज़ में एक चीज़ और ऐड कर देती हूँ अबाउट वाइन। यहाँ पर वाइन कभी कभी 1 यूरो या 1.5 यूरो की भी मिल जाती है, और अच्छी क्वालिटी की वाइन मिल जाती है। तो इवन द वोडका की बॉटल या और दूसरे जो अल्कोहल होते हैं वो भी बहुत सस्ते मिल जाते हैं। इवन यहाँ पर जो कॉकटेल्स होती हैं वो भी रेडीमेड मिल जाती हैं, एंड कॉकटेल्स की वेराइटी बहुत सारी मिल जाती हैं। सो दैट्स एन अमेजिंग थिंग। सो मे बी इफ नेक्स्ट टाइम यू विल कम हेयर सो यू नो दिस थिंग, तो बियर पीना बहुत सारी। सेकेंड चीज़ क्या है? सेकेंड चीज़ है एजुकेशन, जो आई थिंक सबको पता है जर्मनी में एजुकेशन जो है फ्री है। जो ट्यूशन फीस है वो ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स की ज़ीरो है, मैक्सिमम स्टेट्स की ज़ीरो है। तो या तो वो आपको एडमिशन दे देंगे, तो एडमिशन दे देंगे तो उसके बाद फीस नहीं मांगेंगे, या फिर एडमिशन नहीं देंगे, एडमिशन तो नहीं मिलेगा। पर हाँ, एजुकेशन यहाँ पर फ्री है डेफिनेटली गवर्नमेंट की तरफ से। हाँ, तो आपको आपकी जो ट्यूशन फीस है वो तो फ्री हो जाती है, उसके अलावा आपको सिर्फ बुक्स का पे करना होता है और जो बाकी की चीज़ें होती हैं वो, और किसी किसी जगह पर सेमेस्टर कॉस्ट होती है वो। तो या दिस इज़ ऑल्सो अमेजिंग थिंग कि एजुकेशन जो है वो बहुत, मतलब इंडिया में अगर हम लोग रहते हैं तो इंडिया में कितना पैसा खर्च हो जाता है इंडिया education? में तो मेरे ख्याल में आज के टाइम से सबसे महंगी दो ही चीज़ें हैं, एजुकेशन और मेडिकल हेल्थ। ये दो चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं, क्योंकि भाई साहब पढ़ाना मुश्किल है बच्चों को इंडिया में आजकल, अगर अच्छी एजुकेशन देना चाहते हो आप तो वो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। और नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड पॉइंट। हाँ, ये वाला जो पॉइंट है ये लड़कियों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा, अबाउट ग्रॉसरी आइटम्स। और ग्रॉसरी आइटम्स में भी कौन कौन सी चीज़, जैसे कि स्टार्ट करो आप डेयरी प्रोडक्ट से, मिल्क सस्ता milk. है, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स हैं। मतलब वही मैंने बोला हूँ, अराउंड 30.3 यूरो से स्टार्ट हो जाता है, मतलब अराउंड 24 रुपये। हाँ, लीटर। इवन योगर्ट, जितने भी मिल्क प्रोडक्ट्स तो वो हो, योगर्ट तो हद सस्ती है। इवन चीज बहुत सस्ता चीज़ है सस्ता यहाँ है पर। हाँ, डेफिनेटली। उसके बाद ये जितनी भी स्ट्रॉबेरीज, ब्लूबेरीज और एप्पल्स, एप्पल्स बहुत apples सस्ते हैं यहाँ पर, धड़ल्ले से सस्ते हैं। हाँ, और फिर देन आप आइए क्लीनिंग प्रोडक्ट्स की तरफ, है ना। क्लीनिंग, जो हाउस क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हैं वो सारे सस्ते हैं, जैसे हमारे यहाँ सर्फ एक्सल और ये सब चीज़ें क्लीनिंग की, वो कंपेरेटिवली चीपर हैं। फिर हम बात करते हैं हाउस होल्ड में और क्या क्या सस्ता है। टॉयलेटरी स्टफ जो होता है, इवन जो वॉश होते हैं, जो बॉडी वॉश होते हैं, वो मतलब बहुत सस्ते मिल जाते हैं, 20 सेंट्स 30 सेंट्स के भी मैंने यहाँ पर बहुत सारे स्टोर्स पे देखे हैं। इवन कॉस्मेटिक्स जो होते हैं वो इतने सस्ते हो जाते हैं। जब मैं नीचे लिए आई थी ना दीपक, मैं सोचती थी अरे यार, एक यूरो का ये कर करके मैंने अपना जो वार्डरोब है वो पूरा मेकअप से भर दिया है। पर हाँ, बहुत चीपर है कुछ चीज़ें कंपेरेटिवली। लिपस्टिक, इवन लाइनर, कंसीलर, मतलब तुम्हें नहीं पता होगा बट ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं ये बहुत सस्ते हैं। वॉशेस बहुत सस्ते हैं,
शैम्पूज भी इन दैट केस, कंडीशनर भी इन दैट केस बहुत सस्ते हैं, लाइक एक यूरो से कम में ही बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये बहुत सरप्राइजिंग था मेरे लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि यहाँ पर वो चीज़ें जो है वो बहुत महंगी मिलेगी। और इसके बाद नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ पॉइंट, दैट इज पेट्रोल। भाई पेट्रोल खत्म ही नहीं होता यहाँ तो। पेट्रोल सस्ता नहीं कहूँगा मैं, कंपेरेटिवली सेम है इंडिया के, तो जो यहाँ पे जो अर्निंग है उसके कंपैरिजन में पेट्रोल यहाँ पर 1.2 यूरो है। अगर आप देखो तो अराउंड 100 रुपए के आसपास, 90 मेरे ख्याल में इंडिया में भी 90 के आसपास पहुँच गया है पेट्रोल, तो सेम ही कह सकते हैं आप। फिर क्लोथ्स, मतलब यार हम लोगों ने एक एक यूरो दो दो यूरो के इतने अच्छे अच्छे चीज़ें खरीदी हैं। इवन इन दैट केस पुलओवर कभी कभी 4 यूरो 5 यूरो का मिल जाता है। कभी कभी बहुत खूबसूरत ड्रेसेस जो और कोई नहीं खरीदते, क्योंकि जर्मनी में लोगों को फैशन ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मुझे मेरा जो फैशन स्टफ है वो बहुत सस्ता मिल जाता है। इवन ग्लासेस 1 यूरो के मिल जाते हैं, तो बहुत चीज़ें बहुत सस्ती मिलती हैं। कपड़े डेफिनेटली, अब आप ये मत सोचना कि सारे ही कपड़े सस्ते मिलते हैं, है ना, मतलब कहने का मतलब ये है कि सस्ती चीज़ें भी अवेलेबल हैं इंडिया के कंपैरिजन में और क्वालिटी भी अच्छी है। तो अगर आप देखो 100 रुपये इंडिया में के हिसाब से देखो ना, 100 से 200 रुपये के बीच में टी शर्ट्स मिल जाती हैं आराम से, है ना, और जैकेट्स मतलब पुलओवर सर्दियों के लिए आपको मिल जाएंगे 300-400 रुपये में। तो जो इंडिया के में जो रेट्स है ना उससे कंपेरेटिवली थोड़ा कम ही है। इवन मैं इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ, जैसे सब लोग बोलते हैं विंटर वेयर जैकेट्स यहाँ सस्ते मिलते हैं या नहीं, तो जैसे प्रीमार्क करके जो ब्रांड है, न्यूयॉर्कर करके ब्रांड है, इसमें आपको ना जो जैकेट्स वगैरह हैं एज पर यहाँ की ठंड के हिसाब से वो कंपेरेटिवली इंडिया के कंपेयर करें तो यहाँ पर जो है वो सस्ते मिलते हैं। तो इफ़ यू आर कमिंग हेयर और आप ये सोच रहे हो कि हम इंडिया से खरीदें या यहाँ से खरीदें, तो यहीं से खरीदना फॉर श्योर, यहीं से आपको। उसके दो रीज़न है ना सर भी, एक ये कि जो हमारे मतलब हमारे स्पेशली अगर आप इंडिया में, डिपेंड करता है किस पार्ट से आ रहे हो, क्योंकि इंडिया में इतनी ठंड नहीं पड़ती, तो हमारे यहाँ जो जैकेट्स होते हैं ना वो इतनी सर्दी के लिए नहीं डिज़ाइन होते हैं, यहाँ पर उस टाइप के कपड़े डिज़ाइन होते हैं उस विंटर को झेलने के लिए। दूसरा, आपको सस्ते भी पड़ेंगे और आपका लगेज भी बच जाएगा, तो बेस्ट डिसीजन है यहीं से आकर खरीदना। इवन कंबल, ब्लैंकेट्स, अरे रजाइयां, मतलब यहाँ पर कुछ स्टोर्स हैं, मैं आप लोगों को उसके नाम बता देती हूँ, एंड यू विल बी सरप्राइज टू सी देयर प्राइजेस, लाइक डेकोरेटिव स्टफ्स, बेड शीट्स, तकिए के कवर, दे आर लाइक अमेजिंग प्राइस पे आपको मिल जाएंगे विद बेस्ट क्वालिटी। जैसे किक हुआ, वूलवर्थ है, टेडी है, ये कुछ स्टोर्स ऐसे हैं यहाँ पर आपको ब्लैंकेट्स, डेकोरेटिव आइटम्स, प्लांट्स जो होते हैं आर्टिफिशियल प्लांट्स, एक एक दो दो तीन तीन यूरो के मिल जाते हैं, और जो ब्लैंकेट्स हैं वो 12-15 यूरो के, मतलब 1000 रुपये के मान लो आप इंडिया में, और अच्छी क्वालिटी के पतले और लेकिन इतने गर्म कि सर्दियों में मज़ा आ जाए, और डेकोरेटिव आइटम्स तो इतने सस्ते हैं यहाँ पर, मतलब मैंने इंडिया में ऐसा कोई स्टोर नहीं देखा था जहाँ पर यू गेट अ वेरी गुड डेकोरेटिव स्टफ्स, और यहाँ पर मैंने बहुत अच्छे रेट्स पे और डेकोरेटिव स्टफ्स की दुकानें खोजी हैं। ये चीज़ मुझे भी जाननी है कि जो जहाँ तक मुझे याद है मैंने ऐसा कोई स्टोर नहीं देखा था जैसे होम डेकोर वगैरह है इंडिया में, पर वो महंगे हैं, ऐसा कोई सस्ता स्टोर तब तो नहीं था, अभी ओपन हुआ, तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि ऐसा कोई स्टोर अभी इंडिया में है क्या, मतलब चेन टाइप की जहाँ पे चीपली ये डेकोरेटिव आइटम्स मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये मान लो आप 1 यूरो 2 यूरो 3 यूरो के अच्छे अच्छे आइटम्स मिल जाते हैं, मतलब 100-150-200 यूरो में। हाँ, यू आर राइट। इवन मैंने बहुत सारी चीज़ें जो सजा के रखी है अपनी वॉल पे, वो सब चीज़ें वहीं से ली हुई है, तो वो स्टोर्स के नाम मैंने बता दिए। फिर से मैं ग्रॉसरी पे आती हूँ, तो ब्रेड्स, मतलब सुपरमार्केट्स पे ब्रेड कितनी सस्ती मिल जाती हैं, ब्राउन ब्रेड्स बहुत सस्ती मिल जाती हैं इंडिया से कंपेयर करें हम यहाँ पर, तो इवन इन दैट केस जो चाय होती है वो डिफरेंट फ्लेवर्स की चाय, वो 0.8 हाँ 0.9 आट होती है, और उसकी भी बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं। तो और ऑयल भी यहाँ पर बहुत सस्ता है, लाइक इतना बड़ा 1 लीटर का कुछ 0.9, तो अगर आप इंडिया से फिर से कंपेयर करोगे तो ऑब्वियसली ऑयल यहाँ पर सस्ता है। बेसिकली आप खाने पीने का और पहनने का चीज़ें देखोगे ना तो बहुत हद तक आपको सस्ती मिल जाएंगी चीज़ें, डिपेंड करता है, अब अगर कोई बोले नहीं मैं तो सिर्फ जाके कहाँ से यूगो बॉस से ही खरीदूंगा तो अलग बात है, लेकिन आम इंसान के लिए बता रहा हूँ। नहीं देखो, यहाँ देखो पूरे मतलब इट्स अ वर्ल्ड में सस्ती चीजें भी हैं, महंगी चीजें भी हैं, लेकिन अगर हम मिनिमम टू मिनिमम कंपेयर करें तो ऑब्वियसली हमने ऐसा, हो सकता है हमारा जो एक्सपीरियंस है वो अलग है, दूसरे लोग जो जर्मनी में रह रहे हैं उनका एक्सपीरियंस ये है, पर जो नए आ रहे हैं उनके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन कौन सी। डेफिनेटली, और बहुत हेल्प मिलती है, क्योंकि जब मैं आया था ना मुझे भी आइडिया नहीं था क्या खरीदूँ, क्या लेके जाऊँ, क्या, क्योंकि मुझे ही लगता था कि जर्मनी में हर चीज़ महंगी मिलती होगी, हर चीज़ महंगी मिलती होगी, तो ऐसा नहीं है,
मैक्सिमम चीज़ें आपको सेम या सस्ती ही मिल जाएंगी जो यूज़ की डेली यूज़ की चीज़ें होती हैं। तो क्या और कोई हमने पॉइंट मिस किया क्या? हमने पॉइंट एक मिनट, चलो गाइस एक चीज़ और मैं आपको इंटरेस्टिंग बता देती हूँ अबाउट द जो टीवीज़ होती हैं, टेलीविज़न और आईफोन होता है। कभी कभी यहाँ पर बहुत अच्छी डील्स चलती हैं और मैं किसी किसी के कमेंट्स पढ़ रही थी और उसमें मैंने देखा कि यहाँ पर उन्होंने सेम टीवी जो इंडिया में है वो 75,000 की थी और यहाँ पर उन्होंने 500 यूरो की ली, लगभग 45,000 की। तो मतलब कंपैरेटिवली जो था वो बहुत सस्ती मिल गई थी टीवी यहाँ पर। इस टाइप की डील्स मिलती हैं। हाँ, तो यहाँ पर बहुत सारी डील्स होती हैं, प्राइजेस सेम होते हैं पर कभी कभी यहाँ पर इतनी अच्छी डील्स आती हैं कि आपको आईफोन जो है वो बहुत सस्ता मिल जाता है इंडिया के कंपेरिजन में। इवन टेलीविजन, इवन अदर इलेक्ट्रॉनिक स्टफ्स जो है वो बहुत ज़्यादा सस्ते मिल जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ना सब सेम ही प्राइस है इंडिया के कंपैरिजन में देखा जाए ना। हाँ, तो सेम ही प्राइस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है मेरे ख्याल में, तो सेम होगा या थोड़ा बहुत कम ही होगा बस। तो गाइज इसी के साथ आई थिंक हमने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। अगर इसके अलावा आपको कोई से जो आपको ऐसा लगता है जो सस्ता है देन इंडिया, तो मुझे ज़रूर नीचे कमेंट करना क्योंकि मैं आपके एक्सपीरियंस को देखना चाहती हूँ कि आपने कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो एक्सपीरियंस करी हैं जो इंडिया से सस्ती हैं। और जो नए लोग आ रहे हो वो उनके लिए तो डेफिनेटली ये बहुत हेल्प करेगा, और जो ऑलरेडी रह रहे हैं उन वो लोग भी ज़रूर नीचे कमेंट करना। और बताओ दीपक, और कुछ भूले हैं क्या हम? नहीं, हम तो कुछ नहीं भूले। अगर आप हम कुछ भूल जाए तो आप याद दिलाई देना डेफिनेटली। चलो फिर, वीडियो को लाइक करना। हाँ हाँ, एक चीज भूल गए हो आप, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भी दबाना। हाँ, और अब जब आप नेक्स्ट टाइम जर्मनी में आओ तो ये जितनी भी चीजें हैं वो जरूर ट्राई करना, खाना पीना एंजॉय करना, चीजें खरीदना लोगों के लिए। और अगर आप ये वीडियो देख के कुछ चीज खरीद रहे हो तो नीचे कमेंट कर देना। बाय बाय। Thank you.